कर दिया। चलो जी ठीक है, आज हमें पढ़ना है विस्कोसिटी। सुबह वाले तो सारे धोखा दे गए। हाँ ठीक है, तेरा भी यही काम है, बढ़िया कर रहा है। चलो जी विस्कोसिटी पढ़ना है। इसको हमने बर्नौली वाले में थोड़े से इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। उसमें क्या पढ़ा था कि बर्नौली के थ्योरम सिर्फ उस फ्लूड पे अप्लाई होता है जिस फ्लूड में पूरे तरह से नॉन विस्कस होता है। मतलब उसमें ये पढ़ाई हुआ था कि जब फ्लूड फ्लो होते हैं तो लेयर और लेयर के बीच में एक फोर्स अप्लाई हो जाती है। वो फोर्स एक लेयर की फोर्स दूसरे लेयर के फोर्स को अपोज करता है, विरोध करता है, और उससे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है और वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करता है और वो काइनेटिक एनर्जी जितना काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होता है उतने हीट एनर्जी बनता है। ये हमने बर्नौली वाले में पढ़ा था ठीक। और उस अपोजिंग फोर्स का नाम विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग रखा था ठीक है जी। आज हम इसी को डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब अपने को इतना अब तक पता हो गया कि पहला काम तो हो गया कि फ्लूड को फ्लो करना है, फ्लूड फ्लूज, इतना पता हो गया बर्नौली वाला पढ़ के ठीक है। और इन द फॉर्म ऑफ लेयर, इन द फॉर्म ऑफ लेयर, ये पता हो गया, ये दो बात पता हो गया, फ्लूड फ्लो होगा और लेयर के फॉर्म में फ्लो होगा। ध्यान से देखते रहिए। तो एक बात ये भी पता हो गया कि लेयर टू लेयर, एकदम छोटी छोटी बात करेंगे, फिजिक्स को दूर रखेंगे, लेयर टू लेयर कॉन्टैक्ट होगा, अपना जनरल नॉलेज लगाएंगे, ये भी समझ में आ गया। अगर कॉन्टैक्ट होगा तो रबिंग होगी। कॉन्टैक्ट क्या करेगा, रबिंग करेगा। किसकी रबिंग होगी, रबिंग बिटवीन मोलेक्यूल्स होंगे, चैन नहीं रहना है। अभी तक तीन बातें साफ हुई, लिक्विड फ्लो करेगा तो फ्लूड हो गया, फ्लूड हो गया तो अंदर आ जाओ भाई, लेयर के फॉर्म में फ्लो होंगे, लेयर के फॉर्म में फ्लो होंगे तो लेयर के बीच में कॉन्टैक्ट होगा, कॉन्टैक्ट होने पर रबिंग होगी, रबिंग किसके बीच में होगी, मोलेक्यूल के बीच में होगा। और इसे तो हमने फ्रिक्शन पढ़ा था, ये फ्रिक्शन हमने कहाँ पढ़ा था, सॉलिड में पढ़ा था ना हमने सॉलिड में। लेकिन अभी ये फ्रिक्शन कहाँ पढ़ाई हो रही है, फ्लूइड में पढ़ाई हो रही है। तो जब सॉलिड में था तब इस फ्रिक्शन का नाम फ्रिक्शन था, और जब फ्लूइड में है तो क्या इस फ्रिक्शन का नाम फ्रिक्शन ही रखा जाए या कुछ और रखा जाए। तो उसके लिए नाम बताया गया विस्कस ड्रैग या ड्रैगिंग फोर्स, या इसका नाम बोला गया ड्रैगिंग फोर्स, इसको बोला गया ड्रैगिंग फोर्स। तो दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि इसको ड्रैगिंग फोर्स क्यों कह दिया, विस्कस ही कह लेता, नहीं फ्रिक्शन ही कह लेता, फ्रिक्शन क्यों नहीं कहा, ड्रैगिंग फोर्स इसका नाम क्यों रखा। इसका आंसर ढूंढते हैं। देखिए हमारे पास दो वर्ड आ गया, एक आ गया फ्रिक्शन और एक आ गया ड्रैगिंग फोर्स। तो ये जो ड्रैगिंग फोर्स है, ये ड्रैगिंग फोर्स आपने अभी देखा लेयर टू लेयर कॉन्टैक्ट होने पे डेवलप होता है। जितना बड़ा लेयर होगा उतना ज्यादा कॉन्टैक्ट होगा, और लेयर होगा तो इसमें क्या होगी, लेयर में होगी एरिया इन लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी एरिया होगा। यानी मुझे एक चीज समझ में आया कि विस्कस ड्रैग डिपेंड्स ऑन एरिया।
तो क्या ये फ्रिक्शन में नहीं होता है? विस्कस ड्रैग यानी फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन एरिया नहीं होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों? उसमें भी तो टायर और रोड के बीच में कॉन्टैक्ट होता है। टायर का एरिया रोड का एरिया कॉन्टैक्ट हो गया? नहीं। वहां पे क्या होता है, जितना ज्यादा लोड रहेगा टायर माने व्हीकल पे, उतना फोर्स फ्रिक्शन का अप्लाई होगा टायर के और रोड के बीच में। यहाँ पे उसको हमने क्या बोला था, नॉर्मल रिएक्शन। यानी फ्रिक्शन किस पे डिपेंड हो गया? फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड हो गया। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा, एमजी जितना ज्यादा लगेगा नीचे की तरफ, उतना ही ज्यादा उधर से फ्रिक्शन आएगी और फ्रिक्शन उतना ज्यादा होता चला जाएगा। ठीक है जी। ये किस पे डिपेंड हुआ? एरिया पे। इसके लोड से लेना देना नहीं है। फर्स्ट डिफरेंस हुआ। सेकंड डिफरेंस देखिए, फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है, हैज ए लिमिट, हैज ए लिमिट। उस लिमिट के बाद ये टूट जाता है। ठीक है जी, नहीं रहता है फ्रिक्शन। लेकिन इसमें हम अभी पढ़ने वाले हैं कि ये अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड शब्द यूज किया है तो इसको हम अभी पढ़ेंगे। अनलिमिटेड होता है कैसे, क्योंकि आगे हमें पढ़ना है स्ट्रेन। मैं अभी इंडिकेट कर देता हूं, वो स्ट्रेन रेट चेंज स्ट्रेन होगा, टाइम के अकॉर्डिंग बदलता हुआ स्ट्रेन होगा, तब आपको पता चलेगा कि ये अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड माने डिपेंडेंट, इसकी लिमिट नहीं होती है। जितनी देर तक एरिया कॉन्टैक्ट में रहेगी उतने देर तक होता रहेगा, जितना लंबा चौड़ा एरिया रहेगा उतने देर तक ये होता रहेगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि ये भी तब डेवलप होता है जब मोशन होता है। ये दोनों में सिमिलैरिटी है। और ये भी तब डेवलप होता है जब रिलेटिव मोशन होता है। बगैर रिलेटिव मोशन के दोनों में से कोई भी डेवलप होने वाला नहीं है। ठीक है जी। ये भी होता है मॉलिक्यूल के बीच में, सिमिलैरिटी बता रहा हूं। ये भी मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, दोनों में मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है। और ये भी मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ही है, ये भी मॉलिक्यूल की वजह से ही डेवलप होता है, ये भी मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ही है, कुछ दूसरा नहीं है। ये भी समझ में आ गया। अब ये दोनों में डिफरेंस हुआ, इसलिए हमने इसका नाम विस्कस ड्रैग रखा और प्रोसेस का नाम रखा विस्कोसिटी। ये समझ में आ गया। और उसका नाम रखा हमने फ्रिक्शन। अब हमें ये समझना है कि ये होता कैसे कैसे है, तो उसके लिए मैं एग्जाम्पल दिखाता हूं। देखिए, कई एग्जाम्पल दिखाता हूं, फिर हम इसके डेरिवेशन को करेंगे। एक छोटा सा डेरिवेशन होगा दो लाइन का। पहले एग्जाम्पल दिखाता हूं, एग्जाम्पल जिसमें हम किसी का नाम नहीं लेते। देखिए, हम ये सपोज कर रहे हैं कि ये एक फिक्स सरफेस है। और इसके कॉन्टैक्ट में जो फ्लूड है उसकी वेलोसिटी, यहाँ पे जो फ्लूड है उसकी वेलोसिटी हम कॉन्स्टेंट ही ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं, फिक्स ले लेते हैं। मानते हैं कि इसके अंदर कोई भी वेलोसिटी अभी नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो इसकी कुछ वेलोसिटी बनती है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये लेयर दिखा रहा हूँ, जो एरो दिखा रहा हूँ वो लेयर दिखा रहा हूँ, मतलब मैं साइड से देख रहा हूँ। तो मुझे ये वाली जो लेयर बन रही है, ये वाला, ये जो दिख रहा है साइड से जब देखूंगा तो सिर्फ ये वाला दिखेगा। ठीक है, किनारे वाला दिखेगा, वो एक लाइन की तरह रिप्रेजेंट होगा। तो V प्लस डेल्टा V या dV कुछ वेलोसिटी बढ़ेगा,
फिर आगे वाले का v प्लस डी वी प्लस डी वी, ऐसे वेलोसिटी बढ़ेगा। ऐसे होते होते हम इस सरफेस तक पहुंचते हैं, टॉप लेयर पे, ठीक है जी। अब दूसरी बात समझनी है, देखो नीचे वाले लेयर की वेलोसिटी कम है, ऊपर वाले लेयर की वेलोसिटी ज्यादा है, तो ये लेयर क्या एफर्ट करता है कि इस लेयर को खींचकर अपने साथ ले जाऊं, और ये वाला लेयर क्या सोचता है कि इस लेयर को खींचकर अपने साथ ले जाऊं। आया समझ में? एक उस तरफ की फोर्स लगती है, एक इस तरफ की फोर्स लगती है, दोनों फोर्स के बीच में जो फाइनल रिजल्ट आता है उससे एक बैकवर्ड फोर्स लग जाता है, इस फोर्स का नाम ड्रैगिंग फोर्स रखा गया। दो लेयर चला, एक सामने की तरफ, दोनों सामने की तरफ चला, एक की वेलोसिटी कम, एक की वेलोसिटी ज्यादा। कम वाला ज्यादा वाले को पीछे खींचना चाहता है, ज्यादा वाला कम वाले को आगे खींचना चाहता है, दोनों में दो डायरेक्शन की फोर्स लगी और उसका जो रिजल्टेंट फोर्स निकाला गया उससे ये पता चला कि बैकवर्ड फोर्स ज्यादा हो जाता है, उसे हम कह देते हैं ड्रैगिंग फोर्स या विस्कस फोर्स, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज विस्कोसिटी। ये समझ में आ गया? इसी को हम दूसरे तीसरे एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। कैसे? देखिए, पहले लॉजिकली देखिए, फिर नाम लेकर करेंगे। ये हमारे पास एक बकेट है, सिलिंड्रिकल शेप में, टॉप टू बॉटम बराबर है। नहीं मानते तो भाई जैसा घर में बकेट अवेलेबल है वैसा ले लो, पानी भर दो पूरा, दूध अवेलेबल हो तो वही भर दो, है ना जी, और उसमें क्या कर दो कि आप उसे पूरे तरह से स्टीर कर दो, रॉड ले लो, बीच में उसे पूरे तरह से रॉड को चला दो, जितना मर्जी फोर्स लगा सकते हो लगा दो, चला दो। चलाने के बाद उसको क्या करो, रॉड निकाल लो, छोड़ दो और ऑब्जर्व करो, क्या ऑब्जर्व करते हो? तो जो बकेट के वाल हैं उसके साथ वाले जो लिक्विड है वो या तो घूमता हुआ नजर ही नहीं आएगा या बेहद लो वेलोसिटी से घूमता हुआ नजर आएगा, लेकिन जो बकेट की एक्सिस है, सिलिंड्रिकल हुआ ना, बीचों बीच लाइन हुई ना, वो सेंट्रल एक्सिस बना ना, उस एक्सिस पे जो वेलोसिटी है यानी सेंट्रल रीजन में जो एक्सिस है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। एक बात हुई, एक ऑब्जर्वेशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन, अगर आप उसकी फोटो क्लिक करोगे बार 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 फोटो क्लिक करोगे तो आपको उस फोटो को जब देखोगे तो आपको उसमें ढेर सारे सिलेंडर नजर आएंगे, पानी जो रोटेट हो रहा है वो सिलिंड्रिकल फिगर देगा आपको, सेंटर वाला अलग सिलेंडर, बाहर वाला और सिलेंडर, उससे बाहर वाला बड़ा सिलेंडर, उससे बाहर वाला बड़ा सिलेंडर, उससे बाहर वाला और बड़ा सिलेंडर, मतलब सिलिंड्रिकल शेप में रोटेट हो रहा है सारे लिक्विड, और सेंट्रल वाले की सबसे ज्यादा वेलोसिटी है और बीच वाले की वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, और जो साइड में जाएंगे वाल की तरफ तो वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। आया समझ में? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो वाल के साथ वाला लेयर है वो ये लेयर है, वाल के साथ वाला, और सेंटर वाला ये है, तो बीच वाले की ज्यादा होती है। अच्छा, इसका और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं टेबल पे, जो हमारे ये फोटो कॉपी वाले पेज होते हैं, ये 100, 150, 200, 400, 500 पेज रख दो और उसके ऊपर स्लाइड करो हैंड से, ऐसे टेंजेंशियल फोर्स लगाओ, ऐसे फोर्स लगाओ, ठीक। तो जब आप ऐसे लगाते जाएंगे तो आपको ये नजर आएगा कि जो सबसे टॉप लेयर पे जो फ्लैप था वो सबसे हाई वेलोसिटी में रिलीज हुआ है, और जो बॉटम में है जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। एक बात होगी, और एक्सपेरिमेंट करना है तो आप फनेल ले लीजिए, फनेल में क्या करिए, एक में पानी डालिए, एक में अल्कोहल डालिए, एक में मिल्क डाल दीजिए, एक में शहद डाल दो, एक में केरोसिन ऑयल डाल दो, तो आप ये देखोगे कि
किसी में मस्टर्ड ऑयल डाल दो तो आप ये देखेंगे कि जो शहद है, जो हनी डाला हुआ है, वो बेहद लो वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है। उसके जो ड्रॉप बनकर नीचे गिरता है उसकी वेलोसिटी बेहद लो है, जबकि वाटर की वेलोसिटी बेहद हाई है। इससे क्या समझ में आया कि शहद में विस्कस फोर्स ज़्यादा है और वाटर में विस्कस फोर्स कम है। और एग्जाम्पल देखने हैं तो और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जब आप वाटर में स्विमिंग करते हैं, तो या जनरल स्विमिंग वाला बाद में जनरल, जब ये बारिश होता है पानी लग जाता है, रोड जाम हो जाता है, पानी इधर उधर, पानी का मोशन होता है, उसमें जब आप चलते हैं तो एयर में चलना इजी है और वाटर में चलना डिफिकल्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें विस्कस फोर्स डेवलप हो जाता है। स्विम करते हैं तो स्विमिंग करते हुए भी आपको ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि कोई अनजाना सा फोर्स है जो हमें स्विमिंग करने से रोक रहा है या हमें उसके अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ रहा है। डूबने वाला नहीं कह रहा हूँ कि पानी में उतरा और मैं डूब गया, वो नहीं। स्विमिंग जब आप कर रहे हैं तब की कह रहा हूँ, पानी में खड़े हो रहे हैं तब की नहीं कह रहा, या तो वॉक कर रहे हो जब की कह रहा हूँ, या वाटर के सरफेस पे आप स्विम कर रहे हो तब की कह रहा हूँ। कभी दिमाग में एमजी घूम जाए, एमजी की बात नहीं कह रहा हूँ, एमजी तो तब होगा जब नीचे जाने की सोचोगे, उसकी बात नहीं कह रहा। या तो वाटर के लेयर पे लेट जाइए और तब अपने हाथ पैर मोशन में करिए, स्विमिंग के लिए करिए, तब आपको एक्सपीरियंस होगा कि एक अलग सा फोर्स लग रहा है, अनजाना सा फोर्स लग रहा है। या फिर जब आप डाउनवर्ड वो वाटर में वॉक कर रहे हो, उस टाइम एमजी को नहीं कंसीडर करना, एमजी को छोड़कर आपको लगेगा कि एक अनजाना सा फोर्स है, दैट फोर्स इज नोन एज विस्कस फोर्स। अब इसकी बातों को आगे बढ़ाते हैं तो आपको एक चीज दिखाई देगा, बेहद गजब सी चीज है। देखिए, हम एक प्लेट लेते हैं और इस प्लेट के लोअर पार्ट को हम फिक्स कर देते हैं। मान लो ये प्लेट है, ये फिक्स है, इसको हमने फिक्स कर दिया, ये ए पॉइंट लिया और ये बी पॉइंट लिया, तो ये तो फिक्स प्लेस वाला हो गया ना, या डी पॉइंट लिया, बी और सी उधर ले लेंगे। यहाँ पे इसमें हमने एक लिक्विड रखा हुआ है, लिक्विड की हाइट बनी हुई है। नहीं समझ में आता तो सिलेंड्रिकल सोच लो, कैनल सोच लो, जैसा सोचते हो वैसा सोच लो। कैनल में समझ में आता कैमल, कैनल इमेजिन करो, या फिर आपको सिलेंड्रिकल में समझ में आता तो सोच लो हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल रखा हुआ, उसमें फ्लूड फ्लो हो रहा है। उस पे हमने यहाँ पे एक प्लेट रखा हुआ है, ये एक प्लेट है, ठीक है जी। अभी प्लेट की सिचुएशन ऐसी है, ऐसी सिचुएशन है प्लेट की, और अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा हूं, और टेंजेंशियल फोर्स लगाने के बाद, इसमें वेलोसिटी डेवलप हो रही है, उस वेलोसिटी से ये इधर जा रही है, तो इसका शेप ऐसा बनता है, ये प्लेट यहाँ से खिसक के यहाँ आ गया, ये वाला फिक्स रह गया और ये प्लेट की शेप इधर आ गई, तो यहाँ पे क्या बनाया, एंगल थीटा बनाया, और यहाँ पे क्या बनाया, चेंज इन पोजीशन बनाया। तो अगर आप इसमें फोर्स लगा रहे हो तो स्ट्रेस कितना बना, स्ट्रेस बना है एफ वाई ए, और स्ट्रेन कितना बना होगा, तो स्ट्रेन बना होगा डेल्टा एक्स वाई थीटा। अब याद करो पिछली बातें, में क्या पढ़ा था कि ये जो स्ट्रेन है वो टाइम रेट चेंज है, ये स्ट्रेन,
यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग बदलने वाली स्ट्रेन है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो उसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा निकालते हैं, ये वाला लेंथ एल लेते हैं, क्या है, कौन सा फॉर्मूला लगाया, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो एंगल अपना थीटा हो गया, आर्क हो गया डेल्टा एक्स, रेडियस हो गया एल। 5-7 मिनट रुक जाओ सर, 5-7 मिनट बस। थीटा इक्वल टू डेल्टा एक्स वाई एल हो गया, तो स्ट्रेन इक्वल टू कितना हो गया, डेल्टा एक्स वाई एल, ये हुआ स्ट्रेन, लेकिन ये स्ट्रेन टाइम रेट चेंज होगा, ये होगा टाइम रेट चेंज। टाइम रेट चेंज होगा का मतलब ये हो गया कि तब ये स्ट्रेन हो जाएगा डेल्टा एक्स बाय एल इनटू डेल्टा टी, टाइम से डिवाइड होता रहेगा। उस टाइम ये वाला टर्म अगर हम मिलाएंगे तो ये वेलोसिटी बाय एल हो जाएगी, और अब इसका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हमें पहले से पता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एफ वाई ए, और अब ये स्ट्रेन नहीं, ये हो गया रेट चेंज ऑफ स्ट्रेन, तो ये हो गया हमारा वी बाय एल। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एफ वाई ए एल वाई वी हो गया, इसको बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये हो गया न्यूटन, और इसका हो गया मीटर, इसका हो गया मीटर स्क्वायर, और इसका हो गया मीटर पर सेकंड, तो सेकंड ऊपर चला गया, मीटर से मीटर कैंसल, तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का एसआई यूनिट हो गया। हाँ, एक बात और कह सकते हो कि ये वाला काम, एक सेकंड, एक दो मिनट और रुक जाओ, एक दो मिनट और रुको, देखो अभी इसी तक को दूसरे तरीके से ऐसे कह सकते हो कि ये एक लेयर है, ये एक लेयर है जिसकी वेलोसिटी वी है, और ये एक दूसरी लेयर है जिसकी वेलोसिटी वी प्लस डीवी है, या डीएक्स है, जो भी कर लो, डीवी कर लेते हैं। इस लेयर की हाइट एक्स है और इस लेयर की हाइट एक्स प्लस डीएक्स है। अगर आप यहाँ पे ट्रायंगल बनाने की सोचो, देखो इसी को ट्रायंगल में फॉर्म करते हैं ऐसा, देखो गौर से देखना, यहाँ ये ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, तो जो इस फिगर में एंगल थीटा बना था वो एंगल थीटा यहाँ बनता है, दो लेयर के बीच में ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगती है, ये पड़ा हुआ है, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अगर इस ट्रायंगल में कंसीडर करोगे तो ये वाला डिस्टेंस कितना बनता है, तो ये वाला अपना था v, यहाँ तक की वेलोसिटी v और यहाँ तक की वेलोसिटी v प्लस dv, तो ये वाला कितना हो गया dv, ये डिस्टेंस, और ये वाला पूरा कितना हो गया, तो ये है x और ये है x प्लस dx, तो ये कितना हो गया dx, तो ये वाला जो फोर्स होता है वो इनकी dv by dx की प्रोपोर्शनल होता है, तो इस dv by dx को बोला जाता है ग्रेडियंट, इसको विस्कस ग्रेडियंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं विस्कस ग्रेडियंट, इन दोनों के प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं इन्हें मिला दूं तो ये a dv by dx होता है, और इस साइन को हटाने के लिए, इस साइन को रिमूव करने के लिए हमने एक कांस्टेंट लगाया ईटा, एक कांस्टेंट लगाया ईटा माइनस ए डीवी बाई डीएक्स,
ये ईटा साइन लगाया डीवी बाई डी एक्स। अब अगर इसे तुम ठीक करोगे तो एफ वाई ए आएगा माइनस ईटा डीवी बाई डी एक्स आएगा। अब अगर इसे और ठीक करोगे माइनस ईटा एफ वाई ए डी एक्स वाई डी वी आएगा। और दोनों फॉर्मूले को मिलाओगे, देखो दोनों फॉर्मूले को मिलाओ, एफ वाई ए मिल गया, एल मतलब ये डिस्टेंस, वी माने वेलोसिटी हो गया। ये इस तरीके से भी इसके डेरिवेशन में पहुंचते हैं और इस तरीके से भी इसके डेरिवेशन में हम पहुंचते हैं। ठीक है जी, आप बंद कर दे, अब मैं आगे अब उस